वज़ीर-ए-आज़म पोलियो मॉनिटरिंग सेल की फोकल पर्सन आयशा रजा फारूक ने कहा है कि पाकिस्तानियों के लिए बैन अल-अक़वामी सफर पर पाबंदी आयद नहीं की गई, सिर्फ सिफारिशात पेश की गई हैं। जो पाकिस्तान पर आयद की जाने वाली सख्ती पाबंदियां हैं, इसकी मैं वजाहत करना चाहती हूं कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटरी कमेटी की जानिब से किसी किस्म की बैन अल-अक़वामी सफर पर पाबंदी आयद नहीं की गई, बल्कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर चंद सिफारिशात पेश की गई हैं। और इस किस्म की एहतियाती तदाबीर का निफाज किसी भी मुल्क के लिए कोई नई बात नहीं है। बहरहाल इन सिफारिशात की मंजूरी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान से पोलियो फ्री ममालिक सफर से कबल पोलियो वैक्सीनेशन तमाम मुसाफिरों के लिए लाजमी करार दिए जाएगी और हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हुकूमत पाकिस्तान वैक्सीनेशन काउंटर्स इस्टेब्लिश करेगी जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को फैसिलिटेट करे। उधर आलमी इदारा सेहत के तर्जुमान ग्रेगरी हार्ड ने पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर इंसदाद पोलियो काउंटर के क्याम को खुशाइन करार दिया है। First of all, we don't regard them as restrictions. We regard them as enabling. What we are looking to do is we want people to travel. We want people to travel and we want people to travel without taking the virus with them. We think it's great to travel. And we've actually just heard today that there's been an announcement by the Pakistani government, Ministry of Health, that there will be vaccination desks set up at all airports and points of departure from the country. So that's very good news. Gregory Hart ka kehna tha ki Afghanistan aur Nigeria polio par kabu pa sakte hain to Pakistan kyun nahi?